आपका स्वागत करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं खुद चलकर आपको लेने आता परंतु अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सका। इतने वर्षों बाद आपसे भेंट करके मुझे भी अच्छा लग रहा है। लंदन में मिले थे, वो दशहरे का दिन था। हाँ, तब वहाँ इंडिया हाउस में भी आपके स्वागत का सुअवसर प्राप्त हुआ था। बहुत समय बीत गया। आपने रत्नागिरी में हरिजन उद्धार का जो काम किया वो बहुत प्रशंसनीय है। हरिजन? हाँ, मेरे विचार से शूद्र शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हरिजन कहना ठीक है। हरिजन तो हम सभी हैं। आप जिन्हें हरिजन कह रहे हैं वे शोषित हैं, पीड़ित हैं। मेरे विचार में जिस जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है उसे समाप्त कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा करने से तो उलझने बढ़ेंगी। कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है, वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। चार वर्णों में विभाजित ये व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है, वो नेचुरल है और जरूरी भी। छुआछूत इसके कारण पैदा नहीं हुई, वो तो हिंदू धर्म के माथे का कलंक है, उसका अंग नहीं। अगर वो हिंदू धर्म का अंग नहीं तो कलंक कैसे बन गई? छुआछूत को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, कास्ट सिस्टम को मिटा दिया जाए। कास्ट सिस्टम में महान शक्ति छिपी हुई है, इसके कारण हिंदू धर्म बिखरने से बच गया है। बच नहीं गया है महात्मा जी, कास्ट सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुंच गया है। जिन्हें आप निम्न जाति का कहते हैं उन लोगों को अपने महान धर्म से अलग होने से बचाना है, और जो अलग हो चुके हैं उन्हें वापस लाना है। मैं भी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हूं, परंतु सदियों पहले जो दूसरा धर्म अपना चुके हैं उन्हें वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें वापस आना भी नहीं चाहिए। सोच समझकर, भले बुरे का विचार करके अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व को अपनाना चाहे तो उसे वापस अपने मूल धर्म में आने की स्वतंत्रता क्यों ना दी जाए? हमारे धर्म के लोग कुछ ऐसी परिस्थितियों में घिर गए हैं कि दूसरे धर्मों के अनुयायी उन्हें अपने बराबर आने का लालच देकर धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जिन प्रथाओं ने हमारे बीच ऊंच नीच का भाव लाया है अब उनका कोई उपयोग नहीं है, मैंने उनके पुतले जला दिए हैं। इस प्रकार तो हिंसा बढ़ेगी। यह हिंसा नहीं, संघर्ष है। संघर्ष और क्रांति से नई उपयोगी व्यवस्था का जन्म होगा। आप भी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या उसकी कोई सार्थकता नहीं? मेरा आग्रह इस बात पर है कि आजादी उचित और नैतिक साधनों से प्राप्त हो, लोग अहिंसा के मार्ग पर चले। इतने विशाल देश को स्वाधीन कराना है, शत्रु भयंकर साधन संपन्न है, उसका सामना बिना हथियारों के कैसे संभव है? शत्रु के पास इतने ज्यादा हथियार हैं कि हम अपने थोड़े से हथियार लेकर उनके साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ सकते, और फिर केवल इसी कारण मैं अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल रहा। मेरा विश्वास है कि अहिंसा पूर्वक बर्ताव करने से हिंसक मनुष्य का हृदय परिवर्तन होगा। यदि एक गाल पर तमाचा खाने के बाद हम दूसरा गाल पेश करेंगे तो हमें दूसरे तमाचे के स्थान पर स्नेह मिलेगा। आपकी बात मनुष्यों के संबंध में सच हो सकती है, परंतु राक्षसों और पशुओं से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिन हत्यारों ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष निरपराध लोगों को गोलियों से भून डाला उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता। श्री कृष्ण को अंत में कंस और शिशुपाल का वध करना ही पड़ा। देश की रक्षा के लिए सेनाएं तो चाहिए। संपूर्ण अहिंसा का लक्ष्य असंभव है। महान लक्ष्य चाहे कितनी दूर हो उसे सामने रख करके ही हम उसके निकट कहीं पहुंच सकते हैं। हमें उसकी ओर चलना है, उसी ओर चलना है। मुझे लगता है हम कई बातों में एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, परंतु सावरकर मुझे इतना अधिकार तो है कि अहिंसा का प्रयोग करूं। अपने निजी प्रयोग के तराजू में पूरे राष्ट्र को रखने से पहले राष्ट्र के हित और अहित की बात जरूर सोच लेनी चाहिए। मुझे आशा है हम फिर मिलेंगे और बातें करेंगे।